नमस्कार दोस्तों, इतिहास विषय की श्रृंखला में हम नियमित रूप से चल रहे हैं। सुबह 9 बजे हम डेली एक वीडियो डालते हैं और आप उसे देख रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो समझ आ रही होंगी। पिछली श्रृंखला में हमने मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में पढ़ा था। चंद्रगुप्त के बाद अब हम उसके पुत्र बिंदुसार के संबंध में बात करेंगे। देखें दोस्तों, मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था और चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुई थी दुर्धरा से। और ये जो दुर्धरा थी वैसे कार्नेलिया या हेलेना से हुई थी, जो अंतर्राष्ट्रीय विवाह था सेल्यूकस निकेटर की पुत्री, वो अलग है। ये दुर्धरा से एक इसका जो पुत्र हुआ उसका नाम था बिंदुसार। दोस्तों ऐसा ही एक और नाम आपने पढ़ा होगा, बिंबिसार। वो बिंबिसार हर्यंक वंश का राजा था जिसने मगध महाजनपद का एक वास्तविक संस्थापक के रूप में उसे जाना जाता है। ये बिंदुसार है, वो बिंबिसार था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल मैंने आपको बता दिया था 322 से और 298 BC। इसी क्रम में बिंदुसार का शासन रहा 298 से 273 BC यानी कि ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट। बिंदुसार जो था दोस्तों, इसके कई सारे उपनाम देखने को मिलते हैं। इसके कुछ प्रसिद्ध उपनामों को मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। जैसे इसका एक नाम मिलता है अमित्रोचैड्स। बिंदुसार को अमित्रोचैड्स कहा है यूनानी इतिहासकारों ने बिंदुसार के लिए अमित्रोचैड्स शब्द लिया है, जो संस्कृत के अमित्रघात का रूपांतरण है। अमित्रघात यानी संस्कृत का जो साहित्य है उसमें बिंदुसार के लिए नाम मिला है अमित्रघात। और अमित्रघात का मतलब होता है अमित्र माने शत्रु और घात माने उन पर वार करने वाला यानी संहार करने वाला, यानी शत्रुओं का संहारक। ठीक है, अमित्रघात क्यों मिला इसको, इसका आशय है शत्रुओं का संहारक। इसके अलावा इसका एक नाम और मिलता है सिंहसेन। इसका जैन साहित्य में इसका नाम मिलता है सिंहसेन। इसके अलावा बौद्ध साहित्य में इसका एक उपनाम मिलता है मद्रसार या भद्रसार। ये जो उपनाम है इनका, इसका ये बौद्ध साहित्य में देखने को मिल जाता है। यानी यूनानी साहित्य में इसे अमित्रोचैड्स कहा है बिंदुसार को, संस्कृत साहित्य में अमित्रघात यानी शत्रुओं का संहारक, जैन साहित्य में इसे सिंहसेन और मद्रसार या भद्रसार इसे बौद्ध साहित्य में कहा गया है। ये जो बिंदुसार था इसके पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य और इसके पुत्र का नाम था अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य भी प्रसिद्ध राजा हुआ और अशोक भी प्रसिद्ध राजा हुआ, इसलिए बिंदुसार भी प्रसिद्ध हो गया। इसलिए इसको एक नाम मिला, पिता का पुत्र व पुत्र का पिता, ये इसका एक उपनाम हो गया। पिता का पुत्र और पुत्र का पिता किस शासक को कहा जाता है, तो बिंदुसार को कहा जाता है। समझ लें, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था दुर्धरा, इसकी माता का नाम था और इसके ये सारे उपनाम थे और इसका राज्य भी उतना ही विस्तृत था जितना चंद्रगुप्त मौर्य का, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य अपने बेटे बिंदुसार को राज्य सौंपकर स्वयं कहाँ चले गए थे, चंद्रगिरी पहाड़ी जो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, वहाँ पर इन्होंने तपस्या की। भद्रबाहु की अध्यक्षता में ये जैन धर्म की इन्होंने दीक्षा ली और ये जैन बन गए थे चंद्रगुप्त। ऐसा बिंदुसार के संबंध में जैन आचार्य जो हैं उनका ऐसा कोई रोल नहीं रहा, ये जैन धर्म से प्रभावित नहीं हुआ और इसके दरबार में आजीवक जो संप्रदाय है, आजीवक संप्रदाय इसकी स्थापना की थी मक्खलीपुत्र गौशाल ने। ध्यान रखना, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, मक्खलीपुत्र गौशाल ने की थी, जो बाद में जैन धर्म में ही मिल गया था। तो ये जो आजीवक संप्रदाय है इसके एक आपके मुनि थे जिनका नाम था पिंगलवत्स। ये पिंगलवत्स बिंदुसार के ही दरबार में रहा करते थे, समझ गए। तो आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था बिंदुसार। ठीक, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बिंदुसार के संबंध में थोड़ा और जानते हैं कि बिंदुसार के समय भारत की क्या परिस्थितियां रही। तो यूनानी जो इनकी सीमा लगती थी वो यूनानियों से लगती थी और यूनानियों के साथ जो बिंदुसार था
वो इसके जो पिता ने विवाह किया था चंद्रगुप्त ने, इस वजह से बिंदुसार को यूनानियों ने कोई परेशानी नहीं की। यूनान का शासक उस समय शासन कर रहा था, एक राजा था यूनान का एंटियोकस, और एंटियोकस का बेटा हुआ था सेल्यूकस, जो सेल्यूकस निकेटर आपको मैंने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य जिससे लड़ा था, वो सेल्यूकस एंटियोकस प्रथम का बेटा था, और इस सेल्यूकस का बेटा था एंटियोकस, एंटियोकस सेकंड। तो ये एंटियोकस सेकंड कहाँ शासन कर रहा था? सीरिया। क्योंकि जैसे ही सिकंदर की मृत्यु हुई थी तो सेल्यूकस निकेटर को उसका पूर्वी साम्राज्य मिला था, यानी इधर वाला साम्राज्य मिला था, पश्चिमी यूनान के साम्राज्य और लोगों को मिले थे, तो सेल्यूकस निकेटर इस पूरे एरिया का शासक बन गया था, यानी सीरिया का राजा था। तो उसके बाद इसका बेटा राजा बना एंटियोकस द्वितीय सीरिया का। तो बिंदुसार और एंटियोकस द्वितीय, इन दोनों में पत्र व्यवहार था। ये एंटियोकस द्वितीय कौन था? यूनानी था। इन दोनों में पत्र व्यवहार हुआ, और मैंने आपको बताया था कि सेल्यूकस निकेटर ने एक राजदूत अपना चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था जिसका नाम था मेगास्थनीज। थोड़ा समझ लीजिए, यहां पे सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज नामक राजदूत किसके दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इस मेगास्थनीज ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका, जो इंडस नदी के आधार पर रखी गई। इंडस सिंधु नदी को यूनानी इंडस कहते थे, और इंडस के कारण इस पुस्तक का नाम था इंडिका, और यूनानियों ने इस भारत को जो नाम दिया इंडस नदी के कारण, सिंधु नदी के कारण, वो इंडिया पड़ गया। ठीक है, वो समझ ले। तो सेल्यूकस ने जिस प्रकार से अपना राजदूत मेगास्थनीज भेजा हुआ था चंद्रगुप्त के दरबार में, उसी प्रकार एंटियोकस द्वितीय ने अपना राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा, और उस राजदूत का नाम था डायमेकस। किसका नाम है ये? राजदूत का। ठीक है, तो एंटियोकस द्वितीय ने डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में उस जमाने में भेजा था। तो बिंदुसार ने भी एंटियोकस द्वितीय से तीन चीजों की मांग की। पहली चीज, सूखी अंजीर मांग की, सूखी अंजीर मंगवाई। दूसरा, अंगूरी मदिरा मंगवाई, अंगूरी या मीठी मदिरा। और तीसरा, इसने दार्शनिक की मांग की। ये यूनान से तीन चीजें मंगाना चाहता था। देखो, बिंदुसार दार्शनिक मंगाना चाह रहा था, उसका एक कारण था कि जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा नहीं था और घनानंद भारत पर शासन कर रहा था, तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था, और सिकंदर भारत से एक राजदूत लेके गया था, और उस सॉरी एक दार्शनिक लेके गया था जिसका नाम था कालानोश। कालानोश कौन है? तो कालानोश सिकंदर के साथ जाने वाला भारतीय दार्शनिक है। तो आपसे पूछ सकता है कि सिकंदर किस भारतीय दार्शनिक को अपने साथ ले गया था? तो कालानोश। और अगर ये पूछे आपसे कि सिकंदर को प्रभावित करने वाला जो दार्शनिक था भारत का, वो कौन था? तो वो मंडनिक था। कौन था? मंडनिक या मंडलिक। उसने सिकंदर को प्रभावित किया था, लेकिन वो लेके किसको गया था? कालानोश को लेके गया था। तो इसने भी, बिंदुसार ने भी यूनान के शासक से दार्शनिक की मांग कर ली कि आपके राजा पहले लेके जा चुके हैं, हमको भी एक दार्शनिक चाहिए, और इसके साथ अंगूरी मदरा चाहिए और सूखी अंजीर चाहिए। अब यूनानी राज्य और भारतीय राज्य दोनों में मित्रता थी, तो एंटियोकस द्वितीय ने इसे सूखी अंजीर भिजवा दी, अंगूरी मदिरा भिजवा दी, लेकिन इसने कहा कि हमारे देश में दार्शनिकों को बेचा नहीं जाता, इसलिए मैं दार्शनिक आपको नहीं भेज सकता, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एंटियोकस द्वितीय का राजदूत डायमेकस इसके दरबार में ही रहा, बिंदुसार के दरबार में। इसके साथ ही उस समय मिस्र का एक राजा था जिसका नाम था मिस्र टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस। ये कहाँ का राजा है? मिस्र का राजा है टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस, और टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस का एक डाइनो सीएस नामक राजदूत उस समय भारत आया था। तो आपसे पूछ सकता है कि बिंदुसार के दरबार में कौन कौन से राजदूत आए? तो एक तो डायमेकस इसके दरबार में रहा, और एक डाइनो सीएस इसके दरबार में रहा। डाइनो सीएस किसका राजदूत था? तो मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का था, और डायमेकस किसका राजदूत था? तो वो सीरिया के राजा एंटियोकस द्वितीय का राजदूत था। ठीक है, तो ये दोनों राजदूतों के नाम याद रख लें, डायमेकस और डाइनो सीएस। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जितने भी यूनानी इतिहासकार हुए, उन यूनानी इतिहासकारों ने, तत्कालीन इतिहासकारों ने
उस समय भारत में होने वाली पूजा के बारे में बताया। तो इन्होंने बताया कि भारत में उस समय जो पूरा पूजा होती थी वो हेराक्लीज की पूजा होती थी और डायनोसियस की पूजा होती थी। यह हेराक्लीज जो शब्द आया था वो भगवान कृष्ण के लिए आया था, यानी उस समय भगवान कृष्ण की पूजा होती थी, और डायनोसियस जो आया ये भगवान शिव के लिए आया। ये चीज़ याद रख लेंगे कि हेराक्लीज यहाँ कृष्ण के लिए उपयोग में लिया गया और डायनोसियस यहाँ पे शिव के लिए उपयोग किया। और ये किसने नाम दिए थे, ये यूनानियों ने नाम दिए, कि यानी कि इन दो देवताओं की भारत में उस समय पूजा हुआ करती थी। ठीक है, तो बिंदुसार की कंडीशंस आप समझ लें कि बिंदुसार के कई सारे उपनाम थे, आजीवक संप्रदाय का कोई ये मानने वाला था, और इसने दोनों देशों के साथ यानी सीरिया के साथ और उस समय के तत्कालीन मिस्र राज्य के साथ अच्छे संबंध बनाए, उनके साथ इसके राजदूत आते जाते रहते थे। इसने स्वयं का राजदूत भी कहाँ भेजा था, एंटियोकस द्वितीय के दरबार में भेजा था, और उससे तीन चीज़ें मंगवाई थी वहाँ के राजा से, लेकिन उन्होंने तीनों चीज़ों में से केवल दो ही चीज़ों को भेजा था, तीसरी चीज़ नहीं भेजी थी। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो था ना आपके बिंदुसार, इस बिंदुसार के पुत्रों की संख्या थी 101। इसके 101 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा बेटा था जिसका नाम था सुषीम, और अशोक इसके छोटे बेटों में से एक था, संभवतः ये तीसरे नंबर का पुत्र था। इसके अलावा इसके 99 भाई और भी थे। सुषीम और अशोक, सुषीम को बना रखा था तक्षशिला का गवर्नर, यानी तक्षशिला का राज्यपाल या उपराजा। ठीक है, इसी तरह अशोक को बना रखा था उज्जैनी का राजा, उज्जैनी यानी उज्जैन वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो उज्जैनी, और ये कहाँ का राजा था, तक्षशिला का। ऐसा बताया जाता है कि बिंदुसार के समय यहाँ पे तक्षशिला में विद्रोह हुए। तक्षशिला में जब विद्रोह हुए तो सुषीम उनको दबा नहीं पाया और अशोक को भेजा गया। तो अशोक को जब यहाँ भेजा गया, पहले सुषीम को भेजा, सुषीम दबा नहीं पाया, उसके बाद अशोक गया, तो अशोक के नाम से ही यहाँ पर विद्रोह शांत हो गए। यानी अशोक इतना कह सकते हैं कि इससे इतना जनता डरती थी उस जमाने में, क्योंकि ये बहुत ही कैसा था, खतरनाक प्रवृत्ति का था, यानी इसके अंदर दया नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। इस तरह का राजा था अशोक, इस तरह का राजकुमार था अशोक। तो इससे मतलब ये जैसे ही वहाँ गया तो आधा विद्रोह तो वैसे ही शांत हो गया, उसके बाद इसे कुछ मशक्कत करनी पड़ी और उसके बाद इसने विद्रोहों को शांत कर दिया। यानी अशोक एक ऐसा व्यक्ति था जो चाहता था कि वो है जो मगध का साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य है, उसकी सत्ता को संभाले, लेकिन उसके आड़े आ रहा था उसका बड़ा भाई सुषीम। ऐसा बताया जाता है, कुछ ग्रंथ ये उल्लेख करते हैं कि जब बिंदुसार बीमार पड़ गया तो अशोक ने सीधे ही अपने भाइयों को मारा और 99 भाइयों को मारा, सिंगली अनुश्रुति के अनुसार मैं बता रहा हूं यहां पे आपको, सिंगली अनुश्रुतियों में इसका उल्लेख है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। ठीक है, और 99 भाइयों की हत्या कर दी और मगध की गद्दी पर इसने पूरे 4 वर्ष के संघर्ष के बाद 269 ईसा पूर्व में, क्योंकि बिंदुसार का शासन हो जाता है 298 से और 273 तक, तो 273 के बाद 4 वर्ष तक इसने उत्तराधिकार संघर्ष लड़ा, और उत्तराधिकार संघर्ष में विजयी होने के बाद जो अशोक था इसने कहाँ पर अधिकार कर लिया, पाटलिपुत्र मगध पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, ये सारा सीन जो था वो बिंदुसार के समय हुआ। अब ऐसा भी बताया जाता है कि बिंदुसार जो है जब इसकी डेथ हो गई तो उसके बाद इनमें संघर्ष हुआ, लेकिन ये कन्फर्म था कि इनके बीच संघर्ष हुआ था। ये जो बिंदुसार था इसका शासन 25 वर्ष तक रहा था, इसने पूरे 25 वर्ष शासन किया था। अब आपसे अगर यहाँ ये पूछे कि बिंदुसार के प्रधानमंत्री का नाम क्या था, तो याद रखेंगे बिंदुसार के प्रधानमंत्री का नाम तो वो कौन रहेगा, चाणक्य ही रहेगा, लेकिन चाणक्य इसका कुछ समय तक ही प्रधानमंत्री रहा, उसके बाद चाणक्य ने संन्यास ले लिया, और संन्यास लेके चाणक्य कहाँ चला गया, वनों की तरफ चला गया, और वहीं इसका अंत हो गया। तो यहाँ पर बिंदुसार ने उसके बाद 500 लोगों की मंत्री परिषद का गठन किया, कि पहले जब चाणक्य जीवित था
तो मंत्रिपरिषद में कम लोग हुआ करते थे क्योंकि चाणक्य बहुत बुद्धिमान थे, इतने लोगों की आवश्यकता थी नहीं, लेकिन मंत्रिपरिषद फिर भी थी। इसने बिंदुसार ने 500 लोगों की मंत्रिपरिषद का गठन किया और इसका जो प्रधान होता था उसको नाम दिया खल्लाटक, और अपना प्रधान या खल्लाटक जो बनाया वो राधा गुप्त को बनाया। किसको बनाया? राधा गुप्त को बनाया। तो ध्यान रखेंगे, बिंदुसार जिसको अमित्रघात, अमित्रोचैड, सिंहसेन, मद्रसार, पिता का पुत्र, पुत्र का पिता कहा जाता है, उसने पहले प्रधानमंत्री चाणक्य थे और बाद में उसका प्रधानमंत्री या खल्लाटक कौन बना? राधा गुप्त बन गया। क्लियर है? तो ये चीज आपके दिमाग में यहां तक क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं बिंदुसार के पुत्रों की। अभी मैंने आपको बताया कि इसके पुत्रों की संख्या 101 थी और इसका उत्तराधिकारी कौन बना? अशोक, जिसने लगातार 4 वर्ष तक संघर्ष किया और 4 वर्ष तक संघर्ष करने के बाद मगध की सत्ता पर अधिकार किया और अशोक क्या बन गया? मगध का शासक बन गया। ठीक है, तो अगले वीडियो के माध्यम से हम मगध के भावी शासक अशोक के बारे में पढ़ेंगे। अशोक जो एक काफी महान शासक हुआ, जिसने काफी क्षेत्रों को जीता, काफी क्षेत्रों को विजित किया, और काफी क्षेत्रों को विजित करने के बाद जब इसने कलिंग पर आक्रमण किया तो कलिंग को में इसने कत्लेआम कर दिया, और कत्लेआम करने के बाद इसका हृदय परिवर्तन हो गया, और हृदय परिवर्तन होने के बाद उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु के मदद से ये बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर लेता है और फिर उसके बाद ये जन कल्याणकारी कार्यों में लग जाता है। वो सारी कहानी हम अगले वीडियो के माध्यम से समझेंगे। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो के माध्यम से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।